अस्सलाम वालेकुम खवातीन और साथ, मेरा नाम फैसल काजी और आप देख रहे हैं क्या करेगा काजी। और अब आप देखिए मशरकी लड़की के दो, माफ कीजिएगा, जिंदगी के दो हिस्से होते हैं। शादी से पहले अम्मी ने मना किया है, शादी के बाद वो मना कर रहे हैं। और मशरकी लड़कों के भी दो हिस्से होते हैं उनकी जिंदगी के। शादी से पहले अब्बू मना कर रहे हैं यार, शादी के बाद बेगम मना कर रही है। खुद अब्बू बने ना बने बीवी अब्बू बन जाती है। क्या अच्छा है, ये मशरकी का लड़का है, मशरकी लड़का नहीं नौकरी के झगड़े, नहीं नौकरी के झगड़े, नहीं छोकरी के नखरे, नहीं छोकरी के नखरे, नहीं टेंशन हमारे कोई आस पास होता अच्छा और हुए मर्द होके रुस्वा, तू बनाता हमको खुसरा, नहीं बेगमात होती ना जलील बॉस होता। क्या अच्छा है, देखा गया है कि शादी के बाद अगर लड़की खुश ना रहे तो बुढ़ापा आ जाता है और ज्यादा खुश रहे तो मोटापा। अरे क्या अच्छा है, ये आग ये पानी ये हवा और ये मिट्टी, ये आग ये पानी ये हवा और ये मिट्टी, इन चार अनासिर से बना सारा गुलिस्तान, इन चार अनासिर से बना सारा गुलिस्तान। सानो रेहानो फरजानो मेहनाज, वो चार खवातीन तो बनता है मुसलमान। क्या बात है, आज तो उम्दा उम्दा चीजें निकल के आ रही है। क्या बात, कत्ल साबित करने के लिए एक गवाह चाहिए होता है और निकाह में चार गवाहान। अब आप इससे समझ लें कि सबसे ज्यादा संगीन जुर्म कौन सा है, हालांकि कत्ल दोनों में हो रहा है। अच्छा है, इसमें चार विषय देखिएगा इरशाद। तो कोर्ट सिस्टम पे जी, मैंने बतलाया कि मंगल की है पैदाइश मेरी, मैंने बतलाया कि मंगल की है पैदाइश मेरी। कोर्ट में कानून के कुछ नुक्ते पैदा हो गए। वाह, मुझसे बोला जा रेहाना एक कुरैशी एडवोकेट, गोश के नागे के दिन तुम कैसे पैदा हो गए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मजाएगा बस यार। खुश आमदीद खवातीन और साथ, ब्रेक के बाद मैं वही हकीम नासिर ज़्यादा बात नहीं करता। सही बात, अगर बात करें हम सुर की, पाकिस्तान में इसकी कमी नहीं रही। और मैं अब शुरुआत करता हूँ एक ऐसे नाम से, बेशक हम अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरुआत कर चुके, इंट्रो में आपने देख लिया। बात यह है कि नुसरत फ़तह अली ख़ान साहब या मेहदी हसन ख़ान साहब या उनकी तरह के जितने बड़े नाम मेल या फीमेल रहे या हैं, उन्होंने बहुत कम लोगों को एडमायर किया माना। उनमें से एक आर्टिस्ट यहाँ मौजूद है खुश नसीबी से, जिसको नुसरत फ़तह अली ख़ान साहब ने माना कि हाँ वाकई ये इस लायक है कि इसकी तारीफ की जाए। पड़ोसी मुल्क के एक चैनल की इफ्तिताही तकरीब लंदन में होती है, साल था 2007 या 8 या 6, अभी इनसे कन्फर्म कर लेते हैं। उसमें मौजूद होते हैं अमिताभ बच्चन, पड़ोस के सुपरस्टार, जिनको बहुत माना जाता है कि वो लिए दिए रहते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं आम तकरीबात में। और इनका गाना सुनते ही वो स्टेज पे आके डांस करते हैं। क्या बात है, वाह, रिकॉर्डेड है। क्या बात, मेरे साथ मौजूद हैं नईम अब्बास रूफी। क्या बात, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बस तुमको देखते ना बहुत इज्जत करने को दिल करता है। अरे भाई तुम ऐसे इंसान, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी साथी मेहमान का तौर पर फिर बात करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ खवातीन को कहा जाता है पटर 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 बोलते, लेकिन कुछ खवातीन अगर पटर पटर ना करें तो लोग एतराज़ करते हैं कि बोलती क्यों नहीं, वो इतना अच्छा बोलती है। एक्टिंग में हमने देखा, उसमें एक्सेप्ट किया, हमने कभी इनको मॉडलिंग में भी देखा, लेकिन होस्टिंग इनका खासा है। नाज़िया मलिक हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, मैंने आपका शो देखा और सब पता है इंसान जो सोचता है ना वो होता है, तो मैंने कहा
मैं क्यों ना फैसल के शो में जाऊँ ना, ऐसा कुछ हो. और आपकी मैं बताऊँ, एक हफ्ता नहीं हुआ कॉल आ गई इसके बाद. ये आजकल इंट्यूशन पावर्स मेरी स्ट्रांग हुई हुई है. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम नहीं भाई, जी जी जी, आता आता हूं. सुन के लिए बोलना चाह रही है, मेरे काम के लिए बोलना चाह रही है. देखिए, देख लीजिए इसमें क्या नजर आ रहा है. आप देखो या सुनो? जी सुनिए भी और देख लेना. अच्छा, अब क्या है के हैं खूब रू जमाले मुजस्सम गुलाब रंग. वाह वाह वाह. खूब रू जमाले मुजस्सम गुलाब रंग, असनाफे हुस्न साज है शोबिस से मुंसलिक. वाह वाह. असनाफे हुस्न साज है शोबिस से मुंसलिक, ये बेमिसाल होस्ट हैं और एक्ट्रेस हसीन, काजी की बज़्म में नाज में है नाजिया मलिक. अरे वाह, शुक्रिया जी, शुक्रिया. क्या बात है बाज़ और हुजूर जी, जी आपके लिए के सुरों की पहचान ले रिदम के अजीम गायक मतीन फनकार. इतने भारी इशार कर रहा है मैं तो. वाह मतीन. सुरों की पहचान ले रिदम के अजीम गायक मतीन फनकार, मदाम रक्सां बहिश्त ताऊस की सदा से मलंग गुलजार. बयान ऊंचा गला तवाना तिलिस्म लहजा शिगुफ्ता अंदाज, नईम अब्बास रूफी नुसरत के काफिले के सिपाह सालार. अरे वाह भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है. इस पूरी शायरी में जो मतीन आया ना, कमाल कर दिया. अच्छा मैं तो नहीं आई. अच्छा अच्छा, ताली मार दें. नहीं जी, क्या मैं सही समझता हूँ, अगर ये सुर का ताल्लुक मुआवजे से होता है क्या? ये एक्चुअली पता है क्या फैसल भाई, ये जो जब से मीडिया हमारा माशाल्लाह इतना हुआ, उसमें कई लोगों ना किसी मीडिया. अच्छा, आपने किसी भड़ास को रोकी है? हाँ हाँ, एप्रिशिएट कराने के लिए कुछ लोग मीडिया ने भी कुछ ऐसा कुछ किया है. हाँ. जिसमें ये भी जिम्मेदार है इस चीज में. अच्छा अच्छा, कि ऐसे लोगों को कुछ लोग अपने अहाते में उठने बैठने वालों को आगे कर देना. सही. तो उससे क्या होता है, वो अब चैनल पे जब स्क्रीन पे आदमी हर वक्त रोज आएगा ना, रोज आएगा. हाँ. वो एक जगह पे खड़ा कर दो ना गधा, और उस पर रोज जो बंदे को बोलो ना कि रोज वहां पर वो टीवी में दिखाएं कि जी हमने बारह दरी में गधा खड़ा कर, और रोज दिखाते रहो. लोग बोलेंगे जरूर एक बार, इसमें क्या खासियत है, वो गधा ही. लेकिन क्या लोग जाएंगे जरूर देखने यार, टीवी पर रोज दिखाए जा रहे हैं, इसमें क्या खासियत क्या होगी? पता लगा वही होगा. अल्लाह जानता है, मैंने मैं तो सवाल करता हूँ, जवाब दिया इनके से. मैं अल्लाह जानता, मैंने कुछ भी नहीं. एक अज़वाजी इस पे देखिएगा जी, कि सब पे तंकीद होती है, अपनी जात पे तंकीद करना कि मेरी बेगम ने कोसा मीडिया को. वाह वाह, तेरी बेगम ने कोसा मीडिया को. ये झूठा मर्तबे से गिर रहा है. हाँ. गधे के गोश्त की झूठी है खबरें, गधा तो मेरे घर में फिर रहा है. नाजिया जी जी, कभी गधा, माफ कीजिएगा. अच्छा है, हेट हो गया. कुर्सी पे अभी कोई नहीं बैठा हुआ है. अच्छा, कभी कोई कॉल ऐसी आ जाती है लाइव शो में कि जिसकी आवाज में इतना आप खो जाएं कि आप होस्टिंग थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर अभी ऐसा हुआ? आजकल तो शो पे हम लोग लाइव कॉल जरा कम ले रहे हैं, कंटेंट इतना ज्यादा होता है. वैसे कभी इस तरह नहीं, लोगों की कॉल्स कुछ ऐसी आ आपका जाती है. सोचना बता रहा है कि दो तीन कॉलें आ चुकी हैं. जो एक तो मैं बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी शुरू से, कि मैं मर्दों की कॉलें नहीं लेती थी, क्योंकि कोई भी बात जो उल्टी सीधी अगर कोई कह दे तो आपको पता है ऑन एयर जाने में वो. हाँ जी जी. तो फिर हमने खवातीन की, लेकिन हम मुझे जो सबसे जो असर करती थी ना, कुछ खवातीन बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत जबरदस्त, और मैं उनको ये कहती तुम लोग तो ऑन स्क्रीन वाली खवातीन. जवाब कभी तो ली होगी कॉल, क्या मोबाइल पे ले रही हो? मोबाइल पे इतनी मुझे भरोसे नहीं है. अच्छा, मर्द है ही नहीं? नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं. अपना मियां है ना, बस सही है. उसे उसी की आवाज इतनी भरोसे नहीं है. उसके अलावा किसी की आवाज प्रोड्यूसर कभी लगी नहीं. मुआशरे में अच्छे किरदार भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे, बिल्कुल सही, अच्छे हैं, अच्छी हैं. आपने बहुत अच्छा कहा, अपना मियां है ना. हाँ, क्या जरूरत है, बहुत अच्छे. वरना लोग कहते हैं कि अपना मियां तो है ही. वो है ना डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर्स होगा, कैरेक्टरलेस का ये शो बिजनेस के साथ लगा हुआ है. हाँ. कहीं कहीं सही है, लेकिन हर जगह सही नहीं है. हाँ, नहीं, नहीं कहीं कहीं नहीं, ज्यादातर सही है.
कम ऐसा है जो नहीं है, ये बता दो। मैं आप सामने मेरे को पता है ना। अच्छा मर्दों के मुकाबले जी 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 से अपने आप को जी। अच्छा जो शादीशुदा अगर आते हैं ना जी जी के बेगम फिर इस गुलाब को फूलों की सेज दे। अच्छा बेगम फिर इस गुलाब को, बीवी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, बेगम फिर इस गुलाब को फूलों की सेज दे। गुल्लू हूँ तेरा मुझको ग्लोबल विलेज दे। तू मुझको कह रही है मैं तेरा, तू मुझको कह रही है मैं तेरा शादाब फूल हूँ। तू मुझको अपनी दोस्त शिगुप्ता को भेज दे। नहीं बस अरे क्या है भाई, तुम्हारे कदमों की बरकत ही थी। अब बहुत जबरदस्त आमद है इंट्रो से, बेहतरीन। अच्छा आप जज भी रहे, माफ कीजिएगा, म्यूजिक कंपटीशन जी जी, तो कोई हसीन चेहरा अगर बेसुरा हो जाए तो आप कित मार्क्स किसको देते हैं, हुस्न को या सुर को? अच्छा है वाह। नहीं हुस्न को तो इस मामले में देखता ही नहीं हूं मैं। अच्छा बिल्कुल सुर के मामले में तो बिल्कुल। अच्छा समझे, एक तरीके से मैं बहुत सख्त होता हूं। सही, क्योंकि जब आदमी जो काम करने आया है उसको अगर ईमानदारी से ना करे, क्योंकि एक जजमेंट वो होती है जहां आदमी वो सीट होती है जहां पे बंदा जो है ना अपने आप को दुनिया देख रही है ना, मैं क्या करेगा। हाँ। वाह। और मैं अगर इस देख के और ये अजीब एंगल दे दूं उसको और उसको बेटा आप वो मेरा बेटा बोलती देख रहे हैं कि इसमें जो है ना थोड़ा सा ख्याल भी रखते हैं लेकिन इस वक्त नहीं रखता है। मतलब अभी की बात है ये तो फिर उसमें जो है बिल्कुल रहत नहीं है, बल्कि उसको बताना पड़ता है उनको कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो बकायदा ये इसको इसको लोग फैशन समझ के आते हैं, ये प्रोफेशन है। इसकी वजह जो नजर आ रही है ऑल ओवर द मुझे मीडिया नजर आया, अब बहुत चेंज हो गया। जिस तरह हमने यही देखा कि अब दोबारा से जो होस्ट हैं उनके जो उनके दिमाग हैं वो वापस से उनके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो हम जिस तरह काम कर रहे थे वो वापस से उनके दिमागों को यूज़ किया जा रहा है। उन्होंने हर चीज़ उन्होंने देख ली कि ग्लैमर ये वो ग्लैमर सुई घूम के दोबारा से कंटेंट पे आ रही है, संगीत भी दोबारा सही हो वापस सही हो रहा है, अब अच्छे अच्छा टैलेंट आ रहा है। हाँ। जो एक जो टैलेंटेड है वही आ रहा है, वही आ रहा है। हाँ, अब उनका आदमी नहीं आएगा। स्टार कौन है? स्टार वो है जो अपने काम को में अबूर रखता है और उसके काम को बार बार पसंद किया जाता है, वो एवरग्रीन रहता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ अक्सर माजी में देखा गया, अभी नहीं माजी में, जो उबूर उबूरी थे ना उनमें टैलेंट ज्यादा था। नहीं बाबा अच्छी बात की, पिछले वक्तों में उबूरी के पास टैलेंट ज्यादा थे, लेकिन बहरहाल अभी तो टैलेंट प्रॉपर है, आता है ना चेंज, टैलेंटेड ही आ रहा है। जब तक बुराई नहीं देखेंगे अच्छाई का पता नहीं चलेगा। चला है कि 10-15 साल के बीच में ऐसा गैप आया जिसमें अजीब हुआ। हाँ, उससे पहले जो आप लोग मुइन भाई उमर शरीफ लहरी साहब, ये एक दौर ऐसा था जो बिल्कुल पायनियर दौर था, सिर्फ स्टार ही होते थे बस, कोई भी मतलब होता ही नहीं था कुछ टाइप। फिर मैं आपको यहाँ पे मैं जरा सा जोड़ जाऊँ आपके साथ, मैंने और आपने जब स्टार्ट लिया 1989 देखो, और मैं इनका और ये मेरे शौक के साथ ही है। लेकिन लगते जंगी हैं ये भी तो आप देखें, तो आमाल भी तो सीधे सीधे तस्वीर का रुख भी देखें, ये तस्वीर का दूसरा रुख है कि अमाल भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाजिया क्या एक्टिंग में आपने बहुत कम वक्त दिया, मेजबानी में ज्यादा वक्त दे दिया? उसकी वजह थी, मैं शुरू से जब मैंने स्टार्ट लिया था मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट भी थी, मतलब मेकअप्स किया करती थी शुरू से, घर से मैंने अपना स्टूडियो वगैरह खोला था। लिंक करना चाह रहा था आपको, बहुत कीमती शोभा। तो मैं इसी वजह से मुझे ये था कि मैं अपने बिजनेस को कभी भी चाहे वो छोट, क्योंकि उस जमाने में इतना थोड़े लोग आते थे, एक दो क्लाइंट्स आ गए और बस, उस पर भी मैं खुश थी। तो क्या होता था कि जब मैं ड्रामे के लिए हाँ कर देती थी तो मेरे मेकअप जो है क्लैश करने लग जाते थे, तो मेरे लिए बड़ा इशू होता था उससे। तो मैंने इसलिए फिर मॉर्निंग शोज रखे कि मॉर्निंग टाइम पर मेरा जो है अपना काम, मॉर्निंग का होस्टिंग जो है वो ख़त्म हो, या लेट नाइट हो जाए, और या होस्टिंग का एक हफ्ते में एक दिन जो जिसे मैं मखसूस कर लूँ। तो इसलिए मैंने अपने आपको होस्टिंग में ज्यादा रखा। आपने जो अपना प्रोफेशन था उसको मजबूत रखा, अपने मजबूत रखा, किरदार से हिली नहीं, ये समझे, ये आपने एक तरीके से पार्ट टाइम समझा, लेकिन मेन आपने उसको, मैंने उसको नहीं, मैंने होस्टिंग को मेन, होस्टिंग को भी मेन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फोन पर ले लीजिएगा ना, ठीक है सर। ड्रामे की बात के ड्रामे को मैं मेन नहीं रखना चाहती थी कभी भी, ड्रामा से
अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। वो क्या करेंगे जानकर? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। क्या जाती बेगम को मेरे पास पिकअप के लिए भेज देंगे? अब मैं आपको बताऊं नाजिया को मैं क्यों इतना, इसलिए कि इन्होंने जब से पार्लर शुरू किया एक तो बताया नहीं हमें, दूसरी बात ये कि इनका पार्लर माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है। और मैं इनसे अभी कह रहा था कि ब्यूटी क्लिनिक जो कहा जाता है, तो क्या आपके पास भी सारे बीमार मुंह आते हैं, तंदुरुस्त मुंह आता है? तो उन्होंने बताया कि मेरा मेकअप कैसा करता है। जी, मेरा असल में मेकअप स्टूडियो है, सही, जिसमें हम ब्राइड्स बनाते हैं, हम पार्टी मेकअप्स करते हैं, हेयर डूज और मतलब ये चीजें। आप चेहरों को तंदुरुस्त नहीं खुशनुमा बनाते, खुशनुमा बनाते हैं। क्या बात है, जुमले एक्यूरेट जुमला। जी जी। फिर जो ब्यूटी क्लिनिक्स होते हैं उनमें फिर ये कि मशीन का काम भी होता है, मेरे आसान अल्फाज में बता रही हूँ, एस्थेटिक्स होते हैं। okay. उसमें फिर ये होता है कि आपका फेस लिफ्टिंग चीजें, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ जाती है, बोटॉक्स और ये सब। फेस लिफ्ट तो दूल्हा कुंवर उठाने के बाद करता है, शर्मा जाती। जी, तो बाकी क्या ना पता हो भाई, उसी फेस लिफ्ट को करने के लिए फिर बाकी फेस है ना, इसीलिए जो ना ये सारे वो है, डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक हो गया, ब्यूटी पार्लर में एक सब चीजें आ जाती हैं, फेशियल्स और सब चीजें फिर वहाँ पर शामिल होती हैं। आपने किस इलाके में, बताते हैं लोगों तक? मैंने डिफेंस फेज 6 में है, जहाँ पर पीएसओ का गैस स्टेशन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर। फेसबुक पे पेज आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं नाजिया को सोशल मीडिया, नाजिया मलिक सैलून, नाजिया मलिक मेकअप स्टूडियो, जो भी आप लिखेंगे। वैलेंटाइन डे के दिन जो विलेन होता है वो पुलिस वाले होते हैं। इस पर देख लीजिएगा, वो भी है आपका। हाँ। लड़कियातुन मोहब्बतुन लड़कुन। अच्छा, लड़कियातुन मोहब्बतुन लड़कुन लड़कुन और एन साकिन लड़का। दिल दिल गुलाबुन वातरुन गिफ्टुन। एक मिनट रुक जा, पच्चमी दिन कर तुन आया एन साकिन लड़का। नहीं नहीं है, वो भी है, वो भी है। लड़कियातुन मोहब्बतुन लड़कुन। जी, गुलाबुन मुअत्तरुन गिफ्टुन 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 गिफ्टुन। हां, मस्त पैमान और अहद के बादुन टन टना टन टना टना टुन टुन। ये तो आपने रात के 12 बजे के बाद वाली शायरी कर दी। ये पुलिस से मता, पुलिस से मता रहिएगा। मेरा प्रोग्राम हाईजैक, किन लोगों में उठने बैठने लगे आज फसल काजी के साथ? किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं टन हो गया यार। अच्छा है। अच्छा नहीं, बस माइक बेचैन है आपके लिए, थोड़ा सा ब्रेक पे चले जाएंगे, आपके एक आपकी गुनगुनान से ब्रेक पे जाएंगे। जी, जाने वाले हमारी बहन से चांद तारों हम खिलाओं से भी निभा बह लेंगे, तू बहारों साथ ले जा, अच्छी सूरत को सवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तुम जो अदा कर लेना तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, सोचता कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए, करेगा।
खुशामदीद ख्वातीन उदा ब्रेक के बाद। नहीं बात रफीक का गाना मैं क्या तारीफ करूँ सर, मेरे पास अल्फाज नहीं बाखुदा। बेशक बेशक माशाल्लाह। आपके लिए मैं सोच के भी बोलूँ तो मुझे मर्डर मर्डर जाऊँगा बाखुदा। नाजिया मैं सही कह रहा हूँ? सही तो क्या, मैं तो मतलब इनकी बिग टाइम फैन, मैंने कुछ कॉन्सर्ट्स पे भी होस्टिंग जब करते हैं और उस वक्त जब नईम भाई गा रहे होते हैं गाना तो मतलब हमें उस वक्त होश नहीं होता, हम उस वक्त बस इनके गाने के पीछे और हम खुद भी झूम रहे होते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा एसेट है। भाई इनको खर्च नहीं कर सकते आप, बस ये खुद जो है ना ये सर्व कर रहे होते हैं। बात ये ऑटोमेटिकली सर्व कर रहे हैं, पता नहीं चलता लेकिन सर्व पे सर्व कर रहे हैं। अच्छा नादिया, हसद तो चलता खवातीन में तो शो बिजनेस खवातीन में तुम्हें देखा है, आपने कभी महसूस की? बहुत ज्यादा है ना। ओहो इतना ज्यादा कि आप किसी जगह आके बैठ जाए, खवातीन क्या आप जिस जगह पे बैठे हैं आप देखें, देखने वाले इस वक्त ये इधर क्यों बैठे हैं, मैं क्यों नहीं बैठा। ऐसे ही साथ भी ऐसा होता है, हम एक कोई नया शो ले लें उसके बाद आप देखें आपके बेस्ट फ्रेंड्स आपको जो है कोई महीने बाद आपको जो है कहेंगे मुबारक हो। अगर उनको बता दें हम कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बाद फिर हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाए। अच्छा ये हर फील्ड में लेडीज के लिए नहीं है, हमारे में भी बहुत है, लेकिन हम लोग क्या हम लोग जो क्योंकि हम लोग ठाठू वाले लोग हैं ना, हमसे तो वैसे ही थोड़ा सा लोग किनारा कर लेते हैं, रूबी भाई खड़े हुए कुछ लोग जवाब के अलावा भी तो आपका जो गायकी का अंदाज है वो जाहिर पक्की गायकी में आता है। इसमें इनको तो राग उनकी, ये तो वो सिंगर्स है ना जिनको राग का पता है, जो राग से गाते हैं, ये गले से बहुत कम गाते हैं, गले से गाए तो फर्क। मैं सही कह रहा हूँ? तो राग से गाने वाले से आप लड़ नहीं सकते और दिमाग से बोलने वाले से भी आप नहीं लड़ सकते। पहेलियां पूछ लें, पूछेंगे भैया बताएं, है ना? शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। पहले किनसे पूछेंगे? पहले आपसे। अच्छा लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ हलक, ठीक है, आपके लिए हल्क, ठीक है। हल्क में उल्टा लाल सा धागा, हल्क में उल्टा लाल सा धागा, हल्क में उल्टा लाल सा धागा, लाल सा धागा, बाहर उड़े तो पंछी काला, बाहर उड़े तो पंछी काला, काला लेकिन नाम दोनों का एक, भूज पहेली भैया ने पंछी काला। बाहर उड़े तो पंछी काला, पंछी काला, आप भी सोच सकते हैं। हल्क में उल्टा क्योंकि हल्क में इंसान की एक चीज होती है, लेकिन नाम दोनों का एक, भूज पहेली भैया ने। इसमें सारी बात बीच में आ गई है सर, दोनों का एक जवाब, दोनों जो बीच में आपने कहानी दी ना कि पंछी काला और यहाँ के गले में जो एक चीज होती है भैया कहते हैं, पंछी में जवाब आ गया, बाहर उड़े तो पंछी काला। ये तो आज हमने भी जाना है एक्चुअली, ये हकीम साहब की तहरीर है सारी। अच्छा वाह वाह, और ये कहीं से नहीं ले, लेकिन मैं मतलब अकल की दाद देती माशाल्लाह। हलक में जो जिससे हम साउंड बॉक्स कहते हैं वो है, कौवा कहते हैं उसको, और बाहर उड़ा पंछी काला है, पंछी काला में सब जवाब आ गया एक्चुअली। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, खुदा करे जोरे फन और ज्यादा। माशाल्लाह, शौक से खाएं इसको खास हो आम, दूसरा शौक से खाएं इसको खास हो आम, शौक से खाएं इसको, ये खतरनाक आदमी बता देगा। कीमा आलू करें इसमें कयाम, आप भी सोचिएगा। शक्ल तुम इसकी गौर से देखो, जैसे फिरौन का है ये अहराम। अच्छा इसमें आलू कीमा जो है मेरे ख्याल से कयाम समझ गया मैं, अभी आपकी बारी। मुझे आलू कीमा में जिस चीज आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है तो कि स्पाइस में आएगा यार, कसौटी ना खेलें भैया, मैं फिर कर लेता हूं। अच्छा आलू कीमा उसमें एक साथ नहीं डलता, आलू के अलग बनते हैं कीमे के अलग बनते हैं, बिल्कुल फिर वो समोसा होगा। बता दिया, हां आलू कीमे का दिमाग वरना समोसा नहीं होगा, फिरौन का जो असल में वो है ना अहराम। हाय हाय फिरौन के अहराम, मैं ये चीज सोच रही थी कि आलू कीमा साथ होगा अलग होगा, इस जवाब को दे, इस जवाब के लिए इनके सारी जरूरी थी फिरौनियत होती थी, जवाब नहीं आता। नादिया इसकी कोई जबान नहीं इसके कोई ना बोल, इसकी कोई जबान नहीं इसके कोई ना बोल, इसका है तेरी उंगलियों से खूब मेल जोल, इसका
चाहे तेरी उंगलियों से खूब मेल जोल है जान जान बैटरी के एक सेल में हर हर मशीन करता है पटनों से कंट्रोल। मोबाइल तो बोल शेप तो बता दे कैसा इसका वही बता दिया इसकी कोई जबान नहीं इसका कोई इसके कोई ना बोल हाँ। इसका है तेरी उंगलियों से खूब मेलजोल है इस जान बैटरी के एक सेल में एक हर हर मशीन करता है बटनों से कंट्रोल। अरे सेल ठीक है सेल सिर्फ डलता है इसमें रिमोट में डलते हैं अच्छा है वाह 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 मोबाइल में बैटरी सेल जो आपने कह दिया था ये यहाँ पर जाना गड़बड़ अगले सेगमेंट में सब कसर निकालूंगा देखना अच्छी बात बच्चे बूढ़े और जवान दूसरा आप भी सोचिए बच्चे बूढ़े और जवान सबको बचाए दिल भर जान क्या अच्छा दो तीन दफा और कह लू तीन दफा मत कहिएगा तो कबूल थोड़ी कह रहा हूँ अच्छा बच्चे बूढ़े और जवान सबको बचाए दिल भर जान मैं लाइन पढ़ रहा हूँ अच्छा है लिखा है ना आपने सबको बचाए दिल भर जान जरसूमों को रोको आप रुख पे लगाओ एक नकाब ये तो आजकल के रिलेशन इतना आसान था मैंने पहले क्या आपने इतना हेडफोन्स ले आएंगे हेडफोन्स प्लीज जी हेडफोन्स ओहो एक और सेगमेंट म्यूजिक चलाइएगा भैया ये इन लोगों से कोई आसानी नहीं दी इनको कोई आसानी नहीं देनी ना आ गया जो आप बोलोगे हाँ जी ये सुरीला बाजा बताए ना सुरीला बाजा सुरीला बाजा मैं तोड़ देखो मुझे देखो एक बार और सुरीला बाजा कहना तो शुरू करें कि क्या है सुरीला वेरी गुड वाह 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 सुरीला बादशाह सुरीला बाजा सुरीला बाजा बीमारी बता दिया मेरी गलती देखे ना तुम्हें ऐसा हिंट भी नहीं देना चाहिए था मुझे उकसाया प्रोड्यूसर सुरीला तो आ गया जी खूबरू नौजवान तुम क्या हाँ मैं तो हूँ अच्छा है वाह 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 खूबरू नौजवान तुम तो हो जवान ऐसे ही वेरी क्लोज वेरी क्लोज वेरी क्लोज बहुत क्लोज है खूबरू 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 ऐसा खूबरू तुम खूबसूरत हो नहीं 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 यार पहले वाला सही था बट कल क्लोज तुम जवान नहीं जवान सही है तुम खूबरू जवान नाजिया क्योंकि अब हम इख्तिताम पे प्रोग्राम के जा रहे हैं और लोगों से इजाज़त चाहते हैं एक वो पैगाम अपने चाहने वालों को ज़रूर दीजिए जो मुख्तसर और जामे हो लोग सुनना चाहते हैं जी बिल्कुल अपना जो भी काम करें मेहनत से करें और ये सोच कर करें कि मैंने जो करना है अपने मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए करना चाहे वो मेकअप हो आपका होस्टिंग हो आपका एक्टिंग हो आपकी बैंकिंग हो टीचिंग सिंगिंग आपकी शायरी लिखना कुछ भी हो आपका नाम अपने वतन के साथ जुड़ा है अपने वतन का नाम जो है ना रोशन रखें उम्मीद है आप भी ऐसा मेकअप करेंगे कि वतन का नाम रोशन होता है रोशन हमें बार बार जाहिर है तो मैं तो जानबूझ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फील्ड से रिलेटेड बोल सकता हूँ कि जो भी नया टैलेंट आ रहा है और जो अपने आप को चाहता है कि हम सिंगिंग करें और अच्छी करें तो सबसे पहले आपको अपने अपने साथ ऑनेस्टी होनी करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स और किसी से सीखें जरूर हाँ। सबसे पहले शौकिया कभी ना ये काम करना कोई भी काम शौकिया मत करना सही करना तो प्रोफेशनल करना प्रोफेशनल करना बिल्कुल और ताकि आपको आगे जाने के मौके मिले और सीढ़ी से परहेज करना जितना लाइव गा सको गाओ
ताकि जब आप सीडी पे गाएंगे ना तो आप नालायक होते जाएंगे, जब आप गाते रहेंगे गाते तो आगे से आगे जाके कभी ना कभी इम्प्रूव हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। बड़े बड़े इंसान या बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं ना इसी तरह से डांट के पैगाम देते हैं, ये सही है। इस डांट में सिखावा भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, गुस्से का लावा भी है। सीडी वाकई लिप सिंक आपको भटकाती है, बोलना आवाज के साथ आपको सीधी राह पे चलाता है। वाह। तो अपनी आवाज क्योंकि आप खुद सुनते हैं इसलिए आप बेहतर जज करते हैं और गलती की गुंजाइश कम से कम करते हैं। सीडी पे आप अपनी आवाज नहीं सुन पाते, आपको म्यूजिक समझ में आ तो रहा होता है लेकिन लोगों को आप अपना असल नहीं दिखा पाते। और आपको एक और बीच में जी क्राउड अब बड़ा अवेयर हो चुका है, अब क्राउड वो नहीं रहा। हाँ, सब पता लग जाता है क्योंकि आपका देखें गाना आपका 3.5 मिनट का है। हाँ। तो 3.5 मिनट में खत्म हो जाएगा तो लोगों को पता लग जाएगा, जैसा गाड़ी में सुना वैसे वो शो में सुन रहे हैं। क्या बात। तो जब आप लाइव गाएंगे तो अपने गाने से खेल सकते हैं। हाँ। क्राउड से उस गाने को 5 मिनट का भी कर सकते हैं। हम अभी आपसे आपके गाने से खेलवाते हैं। बिल्कुल। आज आपकी शुमूलियत का शुक्रिया, एक दफा फिर शुक्रिया। आप लोग हर हफ्ते साथ देते हैं, बहुत शुक्रिया। आज मैं चाहूंगा कि जल्दी से कह दूं जो मैं आखिर में कहता हूं, मेरा मुल्क सलामत रहे। आमीन। पाकिस्तान फाइंड द बॉस। मैं इबास रूफी और आप अच्छा साहब जो गाना गाने वाले हैं जी तो उसके लिए कि रिंदों का मिला राह सफर में मुझे टोला। हाँ। उस टोले में एक मर्द खराबात ये बोला हो जाएगा तू लज्जत असकार से सरचार, तस्बीह में मोती नहीं अंगूर पिरोला। पिरोला। इसी बात को आपके दी जाती है करोला। थैंक यू। तू बहुत बोला जी। नहीं बस साकी की गर्ल निगाह बलखा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। ऐ रहमते तमाम मेरी हर खता, मैं इंतहाए शौक में घबरा के पी गया। देख कर आपकी जवानी को आरज़ू शराब होती है, रोज तौबा को तोड़ता हूँ मैं रोज नीयत खराब होती है। पास रहता है तू रहता है, पास रहता है तू रहता है, पास रहता है दूर रहता है, मस्त रहता है चूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है तेरी आंखों में हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार में तेरी चाह में तेरी बहकी बहकी अदाने मुझे शराबी बना दिया। तेरा प्यार मेरी जिंदगी, तेरी याद मेरी बंदगी, जो तेरी खुशी वो मेरी खुशी, ये मेरे जुनून का है मौजदा, जहाँ सर को अपने झुका लिया वहाँ मैंने काबा बना लिया।